अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर फिरतू आज की एक नई वीडियो के साथ लाहौर रेलवे जंक्शन से खिदमत में आपकी हो चुका है हाजिर और आप देख रहे हैं मिस्टर फिरतू। दोस्तों आज की इस वीडियो में शालीमार एक्सप्रेस के फेयर्स का पाकिस्तान रेलवे ने ऐलान कर दिया है और तमाम स्टॉप्स के जो फेयर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और 35 से 40% फेयर्स में इजाफा हुआ है जो कि एक हैरानगी वाली बात है। जैसे कि ट्रेन रिस्टोर हुई थी कुछ अर्सा फेयर्स कम रखे जाते तो मजीद खसारे से शालीमार बचती, लेकिन आपको मैं फेयर्स बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा फिर खुद ही हो जाएगा, आपने फिर डिसाइड कर लेना है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे डाल के आप इससे अच्छा फिर ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर ही जर्नी अपनी कर लें। खैर आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरा काम है आपको फेयर्स अपडेट करना तो वो मैं खैर से करूँगा। और आज है 23 अप्रैल, ईद का दूसरा रोज़, और जिन्होंने इस वीडियो में मुझे ज्वाइन किया है उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक, और जो ईद के बाद ये वीडियो देखेंगे उन्हें गुजरी हुई ईद मुबारक। तो सेगमेंट आज के दो मेरे फैंस हैं, जैसे कि मैंने मिलो मेरे फैंस के साथ सेगमेंट है हमारा उसका मैंने आगाज़ कर दिया है, और एक हमारे फ़ैन है सऊदी अरब से माशाल्लाह और एक हैदराबाद से, फैसल जवेद सऊदी अरब से हैं खैर से, और इंस्टा पर इन्होंने मुझे अपनी ये तस्वीर भेजी माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला आपको वहाँ पर परदेश में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क दे। और दूसरे हमारे आज के फ़ैन हैं विकी शेख हैदराबाद से, विकी शेख हैदराबाद से, और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस पर रिसेंटली इन्होंने ट्रैवल किया, बहुत अच्छी बात है। तो ये आज के थे दो हमारे फ़ैन, इंशाल्लाह इस तरह आप भी इस वीडियो का हिस्सा बन सकते हैं। आप देखें ना, अब ये वीडियो YouTube पर पड़ी रहेगी और हमारे आज के इन दोनों जो दोनों फैंस हैं इन्हें फॉर एवर व्यूअर्स देखते रहेंगे, तारुफ मैंने इनका करवा दिया। इसी तरह आप भी अपनी पिक्चर मुझे भेजें, कहीं पर भी आप मौजूद हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी इंस्टा पर मुझे आप पिक्चर भेज दें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मुझे फॉलो करके आप ना पिक्चर भेजा करें। फॉलो जब आप मुझे करके पिक्चर भेजेंगे फ़ौरन मुझे नोटिफिकेशन आएगा, वैसे वो रिक्वेस्ट में चली जाती है फिर पता नहीं लगता। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर फिरतू को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके, क्योंकि हम फिरते हैं। रमज़ान में हमारे दो विनर थे, क्वेश्चन आंसर्स होते रहे पूरे रमज़ान में, दो विनर्स जिन्होंने जूनी की ओरिजिनल वाटर प्रूफ हैंड फ्री जीती खैर से, और आतिम मकबूल अलियान अलियान अहमद। और आज से मैंने क्वेश्चन आंसर्स का जो सिलसिला एक दो दिन मैंने नहीं किया वो दोबारा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो आज का न्यू क्वेश्चन भी आपसे करना है ताकि पांच सवालों के जवाब देने होते हैं जो न्यू मेम्बर्स आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाँच सवालों के डिफरेंट वीडियोज़ में आप जवाब दें तो जीतें जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन भी होगा खैर से, और मैं देखता हूँ कि कौन कौन राइट आंसर देता है। आतिफ मकबूल और अलियान अलियान अहमद, आप दोनों ने अब जवाब नहीं देना, मोबाइल ऑफर आएगी, जब मैं मोबाइल दूंगा तो फिर आप इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे बैक साइड पर लोकोमोटिव मौजूद है और ब्रेक वैन भी मौजूद है, इतना शोर है जिस वजह से मुझे ज़रा ऊंचा बोलना पड़ रहा है। सबसे पहले शालीमार एक्सप्रेस का फेयर लाहौर से कराची का आपको बताता हूँ, 5150 एसी स्टैंडर्ड, 7150 एसी बिजनेस, 3100-3200 इकोनॉमी क्लास का, 3100-3200 और एसी पार्लर का 6450 लाहौर से कराची कैंट का, ठीक है। सबसे पहले रायविंड का बताता हूँ क्योंकि रायविंड लाहौर से बहुत दूर है, एसी स्टैंडर्ड का 550 और 800 एसी बिजनेस का, 700 एसी पार्लर का और 450 इकोनॉमी क्लास का, लाहौर से रायविंड बहुत दूर है तो दोस्तों इतना दूर तो नहीं है, 40 मिनट का रास्ता है लाहौर से रायविंड का, फेयर कम भी होता तो मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। लाहौर से साहिवाल का आपको फेयर बताता हूँ शालीमार का, 1350 एसी बिजनेस, 1050 एसी स्टैंडर्ड, 850 और 900 इकोनॉमी क्लास का, और 1200-1200 इसका होगा एसी पार्लर का, लाहौर से सिर्फ साहिवाल का फेयर।
अब मुल्तान की फाइनली बात करते हैं। लाहौर से मुल्तान का आपको फेयर बताता हूँ शालीमार एक्सप्रेस का 1700 एसी स्टैंडर्ड का और 2400 एसी बिजनेस का, 1250 इसका होगा इकोनॉमी क्लास का लाहौर से मुल्तान का, और एसी पार्लर का 2200। तो दोस्तों फेयर मैं आपको बता रहा हूँ फेयर्स शालीमार एक्सप्रेस के, जो कि कम होने चाहिए थे तकरीबन 1 से 2 माह कम रख के, तो देखते फ़ायदा होता है या नहीं, लेकिन स्टार्ट ही फेयर्स आपके सामने हैं। तो अब आपने ख़ुद फैसला करना आपने कौन सी ट्रेन चूज़ करनी है। अब बहावलपुर की बात करते हैं। खैर से लाहौर से बहावलपुर 1950 एसी स्टैंडर्ड और 2750 एसी बिजनेस, ओए होए 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 होए, 1300-1350 इकोनॉमी क्लास का और 2450 इसका एसी पार्लर का लाहौर से बहावलपुर। और अब बात करते हैं लाहौर से खानपुर का फेयर शालीमार एक्सप्रेस का, और जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, एसी स्टैंडर्ड का 2750 और 3550 एसी बिजनेस का, 1800-1850 इकोनॉमी क्लास का और 2700-2750 एसी पार्लर का लाहौर से खानपुर। लाहौर से रहीम यार खान शालीमार एक्सप्रेस का फेयर 3100 एसी स्टैंडर्ड, 4100 एसी बिजनेस का और इकोनॉमी क्लास का इसका होगा 1800-1900 लाहौर से रहीम यार खान का, और 3550 एसी पार्लर का लाहौर से रहीम यार खान, 3400 लाहौर से रोड़ी एसी स्टैंडर्ड का शालीमार का जो फेयर है वो होगा, और 4600 का एसी बिजनेस, 4600 का एसी बिजनेस लाहौर से रोड़ी शालीमार एक्सप्रेस का। और अब बात करते हैं इसके इकोनॉमी क्लास की, तो वो होगा 2200-2250 का इकोनॉमी क्लास, और 4150 का इसका एसी पार्लर होगा लाहौर से रोड़ी का शालीमार एक्सप्रेस का। तो आप थोड़े थोड़े और पैसे डाल लेना, एक बार ही ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का सफ़र कर लेना, मैं तो यही कह सकता हूँ। 4600 नवाबशाह शालीमार एसी स्टैंडर्ड का एसी बिजनेस का, 5750 और 2500-2550 इसका होगा इकोनॉमी क्लास का लाहौर से नवाबशाह शालीमार एक्सप्रेस, और एसी पार्लर का 5100 इसका आपको पे करना पड़ेगा शालीमार एक्सप्रेस। और याद रहे कि ये जो फेयर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये डिस्काउंट टिकट आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप मौके पर या एक दिन पहले टिकट लेंगे तो इकोनॉमी क्लास में लॉन्ग रूट पर आपको 200 रुपये इन फेयर से ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, और एसी स्टैंडर्ड एसी बिजनेस में 300 से 450 आपको इजाफी पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैं आपको डिस्काउंट टिकट बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको एसी बिजनेस के 550 इजाफी पे करने पड़ेंगे ये जो मैं फेयर्स बता रहा हूँ, अगर आप मौके पर या एक दिन पहले टिकट बुक करते हैं तो कोशिश कीजिएगा पैसे बचाओ। 48 ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले अपना जो टिकट है वो बुक कर लेना। लाहौर से हैदराबाद शालीमार एक्सप्रेस का फेयर एसी स्टैंडर्ड का 4750 और 6250, 6200 एसी बिजनेस, और इकोनॉमी क्लास में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको इसकी टिकट मिलेगी 2950 इकोनॉमी क्लास का और 3050 सीट बर्थ का। और अगर आप लाहौर से हैदराबाद एसी पार्लर में जाएंगे तो 5550 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एसी पार्लर के, 5550, ठीक है। तो ये फेयर्स हैं शालीमार एक्सप्रेस के जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए करंट, जैसे कि आज ईद का दूसरा रोज़ है और 23 अप्रैल है, तो ये जो करंट फेयर्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो कि जो गुज़िश्ता फेयर्स थे 35 से 40% इन क्लासेस में मुझे फेयर्स जो बड़े नज़र आए हैं, बड़े अफसोस की बात है, थोड़े से कम रखते तो ताकि ट्रेन को फ़ायदा भी होता। बकाया जब ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पर होगी यकम को तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वीडियो आए आप सब देखना। तो सेगमेंट
आपने मुझे जल्द अज जल्द डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है इंस्टा का, अपनी तस्वीर कैप्चर करें और मुझे भेजें ताकि मैं कल वाली वीडियो में आपको इस सेगमेंट का हिस्सा बनाऊं। और फाइनली आज का न्यू क्वेश्चन ये है कि रोही एक्सप्रेस पाकिस्तान रेलवे के ज़हर एहतमाम चलती होती थी, आपने मुझे ये बताना है कि उस ट्रेन का रूट क्या था, किस स्टेशन से किस स्टेशन तक वो चलती थी। मैंने उसमें सफ़र भी किया हुआ इस वजह से। रोही एक्सप्रेस, इसका आपने मुझे रूट बताना है। और आज का ये क्वेश्चन है, 5 सवालों के जवाब मुकम्मल जो करेगा वो जीतेगा वाटरप्रूफ जूनी की ओरिजिनल हैंड फ्री। 2 यूज़र्स खैर से जीत चुके, एक पेशावर से आतिफ मकबूल और एक लाहौर के करीब ही था अलियान अहमद, उसे मैंने इनवाइट भी यहाँ पर कर लिया था। वीडियो मौजूद है, कराकरम एक्सप्रेस अपडेट थी वो चैनल पर, वीडियो मौजूद है 1 से 2 हफ्ते पहले की, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर पिरतू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लें प्रेस ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि हम फिरते हैं, इंशाल्लाह फिरना स्टार्ट करेंगे, बहुत हो गई जर्नी वगैरह करूँगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इसके साथ ही आज की इस वीडियो में मिस्टर फिरतू आपसे चाहता है इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।